हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके नए परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे आपका इंटरनेशनल बिजनेस, जो आपके बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम दोनों में 6 सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए। तो आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज कहीं ना कहीं हम एक ऐसा सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं जो कई स्टूडेंट ने ले रखा है 6 सेमेस्टर में बीकॉम के अंदर। तो एग्ज़ाम पैटर्न भी हम डिस्कस करेंगे और सिलेबस भी डिस्कस करेंगे कि इसमें किस किस टॉपिक से क्वेश्चन बनाए जाएंगे और एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। ठीक है, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ हम आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट देते हैं। तो देखिए, इसका जो पहले आप सिलेबस देख लीजिए, फिर एग्ज़ाम पैटर्न की हम बात करेंगे। इसके पहले यूनिट में टोटल इसकी 4 यूनिट है। तो इसकी पहली यूनिट में आपको 4 यूनिट लेसन मिलेंगे। पहला, इंटरनेशनल बिजनेस डेफिनेशन इम्पोर्टेंस एंड नेचर, मतलब इंटरनेशनल बिजनेस होता क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस इतनी क्यों। इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब समझते हो, एक देश से दूसरे देश में जो बिजनेस होता है। ठीक है, लेसन 2 में है स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, यानी स्कोप क्या है, कितना दूर तक हम इसके बारे में सोच सकते हैं, क्या क्या फ़ायदे, ये सारा आपको पढ़ना है। लेसन 3 में आपको पढ़ना है पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, लीगल सिस्टम्स, कल्चर, एनवायरनमेंट एंड एसोसिएट रिस्क, क्या क्या ये सब होता है इसमें, समझ रहे ना। पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है इंटरनेशनल रिलेशनशिप में, इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, लीगल सिस्टम कैसा है, कल्चर कैसा है इसका। ठीक है, लेसन 4 में पढ़ेंगे हम फ्रेमवर्क फॉर एनालाइजिंग इंटरनेशनल बिजनेस एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये अब फर्स्ट यूनिट। और दूसरी यूनिट में है थ्योरीज ऑफ ट्रेड, जो बिजनेस की जो आपका व्यापार होता है उसका थ्योरीज क्या क्या रहती है। यूनिट 3 में पढ़ेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO, 1995 में स्थापना हुई थी, पहले इसका नाम GATT था, नाम बदलकर WTO कर दिया गया। इसका काम है कानून बनाना। ठीक है, लेसन 2 में इंडिया एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया के साथ WTO कैसे काम करता है, ये सारा पढ़ेंगे। और यूनिट 5 में है IT एंड इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है, इसमें से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूँ तो टोटल 3.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा और 20-20 नंबर के आपके क्वेश्चंस रहेंगे, 5 क्वेश्चन टोटल करने होंगे 10 में से। ठीक है, तो बाकी वीडियो कैसे लगी, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आने वाले टाइम पे हम और भी सिलेबस डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।